सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। जानू मैंने इस दफा ना डबल ईद लेनी है। इस बार कोई ईद मिलेगी नहीं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना भाई। ईद मुबारक से ताज कम अज कम आप तो ईद ही दे देना। अरे क्यों नहीं मोमो, ये लो भाई, ये लो, ये तुम्हारी ईद। ओ माँ जी गौर से देख तो ले यार, इन्होंने आपको 50 रुपए दिए ईदी। नहीं वो लगे आप मुझे। अब वो क्या प्यारा? नहीं नहीं वो जो खा के मर जाते ना बंदा। अच्छा गुड़। गुड़ खा के कौन मरता है? ओ माँ जी ये बड़ी मोटी चमड़ी है, जहर खा के भी नहीं मरेंगे ये। जहर हाँ बड़े जहर लगे आपको, कम अज कम 10-20 हजार ईदी तो देनी थी मुझे। अरे दे दूंगा भाई, लेकिन पहले शीर खुरमा तो खिलाओ। निसरीन जा जाके शीर खुरमा लेकर आ। शाबाश है, बनाया कब था आपने? पिछले साल। माँ जी हाँ पिछले साल मैंने बनाया था, तो इस बार तेरी बारी थी ना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो जानू क्या मतलब है इस बात का यार, ईद वाले दिन भी हम मुंह मीठा नहीं करेंगे। जबील एक काम करते हैं, हम ना किसी की तरफ जाते हैं, सारा दिन ईद वहीं गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे और रात को डिनर करके वापस आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम ना डॉक्टर साहब से या बट साहब से पूछ लो फोन करके। ओ यार मैं मुंह सब किया था यार, बट साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे यार, और वो डॉक्टर का जो बच्चा है उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है। चलू क्यों ना तुम्हारे किसी दोस्त की तरफ चले। बिल्कुल नहीं, असलियतें नहीं दिखानी किसी दोस्त के सामने, फजूल में मेरी इंसल्ट हो जाएगी वहाँ पे। अरे यार तो फिर क्या करें, ईद का सारा दिन क्या हम कुछ खाए पिए बगैर गुजारेंगे? नहीं जी नहीं, हम ऐसा करते हैं सूजी के पास चलते हैं, हैं? और वहाँ खाना भी खा लेंगे और शीर खुरमे की खुशबुएं भी आ रही थी इधर से। मेरा ख्याल है शीर खुरमा गरम गरम खाना चाहिए। आओ चलो 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 चलो। अरे बेगम तशरीफ ले आइए, कहाँ रह गई आप? आइए 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 आइए। सुभान अल्लाह आज तो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही हैं आप। सच्ची मुच्ची। वैसे आपस की बात है, ये जो परियां होती है ना, इनका जमीन पर इंसानों में कोई काम नहीं होता। आप ऊपर तशरीफ ले जाइए आसमानों पर, हम यहीं खड़े खड़े आपको हाथ हिला दिया करेंगे। शट अप जी। जो काम किया है वो किया कि नहीं? टैक्सी आई है कि नहीं? आज ही टैक्सी मंगवाई हुई है, वो कह रहा था 1.5 से 2 मिनट के दरमियान में पहुंच जाओ। खबरदार हो जो मुझे ईद वाले दिन कोजी पाजी का तो जाओ ऊपर जाओ, कोई ईदी शीदी नहीं है, हमें देर हो रही है। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी हमारी बाजी जो है ना शाहिदा, उनके यहाँ हम खाने पे जा रहे हैं। लेकिन हम तो आपके पास शीर खोरमा खाने आए थे। अब वर्ची खाने में रखा हुआ है तुम्हारा शीर खोरमा, खा लेना और पांडे पुंडे सारे धो तो देना, रात तक मेरा बवर्ची खाना शीशे के जैसे चमका देना, समझ आई है? नहीं तो खाने का क्या करना है फिर? ना 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 ना, ना। हमारे खाने का तकल्लुम ना फरमाइएगा, हम शाहजाबाजी के यहाँ खा लेंगे। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलते हैं शाहजाबाजी के यहाँ, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ। नहीं नहीं तुम लोग क्या करोगे मेरी ननान के घर जाके? तेरी बनाइया। अरे हम तो ईद मनाने आपके साथ नीचे आए थे ना, ईद का एपिसोड है ना, अगर आप हमें साथ ले जाएंगी तो आपका फायदा ये होगा कि टैक्सी का किराया आधा आधा हो जाएगा। क्यों जानू? शट अप नबील। जानू ईद वाले दिन भी शट अप, अगले एपिसोड में मैं तुम्हारा मर्डर लिखवा देना। ओए ओए चलो ठीक है ठीक है, मुफ्त का अगर खाबे खाने हैं ना तुम लोगों ने, तो टैक्सी का पूरा किराया फिर तुम लोग दोगे, बोलो मंजूर है? डन है जी डन है, खूबसूरत दे देगी टैक्सी का किराया। चले मुस्तकीम साहब बाजी का हाथ पकड़े। अरे भाई बाजी होंगी आपकी, हमारी तो सौदा मुसलमान है। अबे गिरना पड़े गिरना पड़े गिरना पड़े। सफर करें ना, वो लोग भी तो आ रहे हैं। आप कौन?
कौन है आंटी और कहाँ जा रही है? कल्लू हाथ मार, आंटी की आंटी अभी कह रही है मुझे। अरे मुझे बोलो पुप्पो, प्यारी पुप्पो। ओए मेरी प्यारी पुप्पो, मुझे इतने दिन लगा दिए हमसे मिलने, क्यों नहीं आए? क्या हो गया? अरे मोमो ये क्या बोले जा रही हो भाई तुम? चलो जी, तुम लोगों की तो फूफी आ गई है, तुम लोग संभालो इनको, हम तो चलते हैं। चलो जी। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो जानते नहीं है इन्हें। कौन लैक, क्या बकवास कर रहा है? ना तू मुझे पहचानता नहीं है। जानू तुम देख लो, तुम्हारी कोई दूर पड़े की रिश्तेदार लग रही है शक्ल से। नहीं नबील, मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे मुस्तकीम साहब, कुत्तकुन्ने बन के खड़े हैं आप ही, जरा पहचान ले, हो सकता है कोई दूर दराज की आपकी कोई रिश्तेदार हो। अरे नहीं भाई नहीं, बखुदा हमें बिल्कुल नहीं जानते। तौबा 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 तौबा, तारू अल्लाह चुके। ओ ईद के दिन तो लोग दूसरे लोगों को गले लगा लेते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। तुम कितने नलायक रिश्तेदार हो जो सकी पुप्पी को नहीं पहचान रहे हैं। मैं पुप्पी हूँ, प्यारी पुप्पो, दस रही हूँ तानू, मेरे को प्रूफ है। ए लो पढ़ो, ए वेखो जरा, ए वेख रहा बेटा, कमाल है भाई वैसे। अरे मेरी पुप्पो, मेरी प्यारी पुप्पो, कहाँ थी, मैं इतना मिस कर लो था। अरे तुम्हारी कौन सी पुप्पो है नबील, जिसे मैं नहीं जानता भाई? मेरी पुप्पो है ना यार, मेरे अब्बा जी रोशू, लंबी उंगलियों वाले, उनकी सौतेली बहन है। माँ जी खूबसूरत, जोजी बाजी, आप लोग इन्हें लेकर अंदर चले जाए। पुप्पो आप अंदर बैठे, चले चले चले, मैं कुछ लेके आता हूँ, आप तीनों मेरे साथ आए। आई आई मैं मूसा, कहाँ जा रहे हो नबील? मैं तो हैरान ही रह गई हूँ, तुम लोगों ने अपने बूथों पे मन मन सुर्खी पाउडर मला हुआ है। अरे घर का क्या हाल है? ऐ गड्ढे गड्ढे कट्टा ते मिट्टी। ओए फूफी जी, ये मेरा घर है जोजी का, आप ना इनकी ऊपर वालों की ममान है, ये ना भूले। वैसे तेरे मुंह की बात नहीं है, पर तू है बड़ी बदखलाक औरत। जी फूफो जी, ये बदतमीज औरत है ना, इसने ईद वाले दिन भी फ्रिज को वो लगाया हुआ है। ए वो क्या? वो जो हम घर के बाहर लगाते हैं। घंटी? घंटी नहीं, वो हाय हाय भाई, क्या वो करी जा रही है शारों के साथ, तू गूंगी है? माँ जी ताला कहना चाह रही है। हाँ ताला ताला, ये कंजूस औरत ना फ्रिज पे ताला लगा के रखती है। ओ प्यारी फूफो आ गई सीधो जमील, सारे ताले तूले तोड़ देगी तुम्हारे घर के। तुम तीनों ना एक काम करो, मेरी बात सुनो कान खोल के, मेरे लिए ना मजेदार किस्म की ना एक एक डिश बना के लाओ। जो सबसे चंगी डिश बना के लाएगी ना, उसको मैं ईदी इतनी बड़ी दूंगी, बहुत ही सारी। शाबाश, मैंने ऐसी डिश बनानी है, कोची बाजी की उंगलियां चबा जानी है आपने। ना मेरी उंगलियां क्यों चपेंगी, अपनी नहीं है उनकी? नहीं नहीं फूफी की उंगलियां तो ऐसी फिटी हुई बारीक रही है, तेरी उंगलियों पे बड़ा मोटा मोटा गोश्त है। नहीं बस कर दियो, की किला पता करना जे है, इस वाले दिन भी लड़ाई थी अपने भाइयों में। जाओ जल्दी से जाओ, तीन दिन जाके ना मेरे लिए कुछ ठंडा बना के लाओ, मेरा दिल बड़ा कऊ मऊ कर लगा। तो शो बश आ जा, कऊ मऊ आ शुक्रिया। चीनी खोलो, मैं जरा कमरे में परस रख के आ रही हूं। नबील मियां, फुफो आपकी आई है, रोक आपने हमें लिया, ये माजरा क्या है? ओ मुस्तकीम साहब, मैं तो खुद पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। अरे तो फिर तुम ये मेरी फुफो ये क्या कर रहे थे? ओ यार ये देखे, पढ़े जरा। लाओ ना दिखाओ, क्या क्या लिखा है? मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है, अगर गलती से किसी के पास पहुंच जाए तो इस नंबर पर रابطہ करें, रابطہ करने वाले को इनाम दिया जाएगा। अरे अरे भाई देर किस बात की नबील मियां, नंबर मिलाइए। लाइए महमूद साहब, लाइए लाइए लाइए। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, ठीक मिला ना? जी 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 जी, बेल जा रही है, बेल जा रही है। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक? अरे बाबा कौन सी ईद, कैसी ईद, काय की ईद मुबारकबाद दे रहे हो? मेरी बीवी के बगैर मेरी ईद कहाँ हुई आई? अरे इसीलिए तो फोन किया अंकल आपको, आपकी बीवी हमारे घर पे आई हुई है और हमने बड़े प्यार से उन्हें रखा हुआ है, आप इनाम की रकम लेकर जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बाबा, इनाम भी दूंगा, ईदी भी दूंगा। बड़ा बड़ा शुक्रिया बेटा तुम लोगों का, बहुत शुक्रिया, मेरी बीवी का ख्याल रखना है तुमने। हाँ जी जी जी, आप टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अरे भाई आप एड्रेस तो लिख लेना। हाँ हाँ बाबा मैं पहुँचता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी प्यारी का तुमने ख्याल करना है। हाँ बताओ। हाँ लिखे, बुलबुले वाला घर। बस मैं पहुँच रहा हूँ,
मेरी प्यारी का ख्याल करना है तुमने। हाँ ओके ओके, महमूद साहब आ रहे हैं, इनाम की रकम भी ला रहे हैं और कह रहे ईदी भी दूंगा। ये जी, अरे आप मनाएंगे ना हम ईद? यस यस यस, आओ आओ चलो चलो घूमते हैं। तुम तीनों गैर मेहरम मुझे अकेली लड़की समझ के मेरे घर मुंह उठा के आ गए हो, क्या तुम लोगों का चोरी करने का इरादा है? ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये आप क्या फरमा रही हैं? चोरी? हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे भाई? चुप कर, तेरी तो शक्ल तो लग रही है कि तू चोर है, तू तो इस घर का मालिक मुझे लग ही नहीं रहा। देखिए मेरी बात तो सुने, बड़े मुंह वाले डाकू, बजट मैं पुलिस को फोन कर दिया उन्हें। यू डू पुपो, प्यारी पुपो, खबरदार खबरदार जो मेरे साथ बहुत ही रिश्तेदारी लड़ाने की कोशिश की तो है, मैं इतनी बोली नहीं हूँ, अभी करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त, निकलो तो निकलो। मौत पैरे ना हो तो प्यारी पुप्पो, प्यारी तो वैसे मैं हूँ, कोई है कौन का यार मेरे लोग हैं? अरे जानू, जो पोपी है ना प्यारी पे, वो इसकी वजह से ही यार, वो हम सबको चोर समझ रही है। बिल्कुल ठीक समझे उन्होंने। अरे मोमो, ये औरत बीमार है। अरे इसके बैग से जो पर्ची निकली है ना, उस पे लिखा है कि जिसको ये औरत मिले वो इस नंबर पर इसके शौहर को इतला दे, और बदले में उसका शौहर इतला देने वाले को इनामो कराम भी देगा और ईदी भी देगा। अनाम जुजिमा जी, मेरा ख्याल है इनको संभालना जरा मुश्किल सा काम है। आप लोग अपनी ईद खराब ना करें, आप लोग जाए अपनी बहन की तरफ, हम लोग संभाल लेंगे। वाह भाई वाह, यानी इनाम की रकम आप हड़प कर जाए हैं? हाँ, इनाम तो हमारा ही होगा ना, क्योंकि वो औरत हमारे घर जो आई है। हाँ, लेकिन पर्ची तो नबील को मिली थी ना। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जिसको मर्जी मिली हो पर्ची, कार तो मेरा है। यार अच्छा चले, ठीक है आप लोग लड़ना बंद करें, मेरा ख्याल है इनाम काफी बड़ा होगा, हम लोग जब आपस में आधा बांटेंगे तब भी हमारे हिस्सों में बहुत कुछ आएगा। हाँ, हाँ, यार आज ईद के दिन भी हम तीनों किचन में खड़े काम कर रहे हैं, आप लोग हमारी हेल्प करें, एक एक डिश बनानी है सबने, चले शुरू हो जाए। ओ जानू, महमूद साहब है ना, कर देते हैं हेल्प आप लोगों को। आप लोग जानते नहीं है, महमूद साहब 2 साल एक बड़े सारे बंगले में बोर्ची का काम करते हैं। नबील, मैं अकेला क्यों काम करूं भाई, तुम और मुस्तकीम साहब भी मेरा साथ दो। और भाई हम तो तैयार हैं, फरमाइए करना क्या होगा। हाँ चलिए, आए काम करते हैं जब तक प्यारी बुब्बो के शौहर भी आ जाएंगे। हाँ चलो चलो, आप तो बड़ो भाई। तुम सब ने खा पी लिया, डफ भी लिया, अब चलो चलने की तैयारी करो, आते जाते रहना, ठीक है? कितों? ओ मेरे घर और किथे? अच्छा ठीक है पुप्पो जी, हम चलते तो फिर आ जाएंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई मोमो, हम यहीं रहते हैं। मैं तो लैट्रिन जा रही थी। अरे सीन के बीच में से तो मत उठो। अल्लाह माफ करे भाई, बड़ी चिचड़ किस्म दे तुसी ममान हो। ओ खा डप लिया, डकार मार लिया, अब घर जाने की तैयारी करो, अब यहीं पे डेरा लगा के बैठ जाने तुम लोगों ने। है यानी पुप्पो, हम मेहमान नहीं है, आप हैं। मैं चुप भी कर, मेरे दादे दी उम्र दा भाई मेनू पुप्पो जान कह रहे हैं, एडा तो छुन्ना काका। पुप्पो जी आप रिलैक्स करें। ओ पुत्र जी, रिलीज कोई करने वास्ते तो कह रही है गल, मैं कि बथेरा खाबा खा लिया जे, जाओ रखो अपने घरी, भाई ईद है, हमने भी कहीं जाना है, आउटिंग शॉटिंग करनी है, हमने भी रेस्ट करना है, चलो शाबाश चलो जल्दी तैयारियां करो। हैप्पी का चलो जाओ शाबाश, मैं रमान से कह रही हूं अभी तुम लोग। घर से बाहर निकाल दिया। छी, गंदी फुफो नहीं कहना, प्यारी प्यारी फुफो कहना है मुमताज जी। अल्लाह कितने प्यार से समझाते हैं आप। मामा, तुम्हारा शौहर मैं हूँ। ओए, तो ये आदमी फिर इतना मुझसे फरी क्यों हो रहा है मीसना? सकीम, ओ यार बस करें आप लोग यार, वो हमें निकाल के पता नहीं खुद क्या कर रही होंगी। नबील तुम उनके हस्बैंड को फोन तो करो, पूछो वो कब आ रहे हैं उन्हें पिक करने। ये चीज देखो, मेरी अकलमंद बीवी काम आई ना। ओके जानू, अभी करता हूँ।
हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं फिर से नबील बात कर रहा हूँ, जहाँ आपकी प्यारी बीवी यानी हमारी प्यारी फूफो हैं, आप उन्हें लेने कब आएंगे? भाई उन्होंने तो हमें ही हमारे ही घर से निकाल दिया है। अरे आपने तो कहा था उन्हें भूलने की बीमारी है, वो तो हर सीन के बाद एक नया मसला खड़ा कर देती हैं। आप कब तक लेने आएंगे ये बताएं। हाँ बाबा मैं तुमको बताना भूल गया था, अरे मेरी प्यारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, हर 15 मिनट के बाद पिछली सारी बातें भूल जाती है। अरे भाई वो आपको तो पहचान लेंगी ना, ऐसा ना हो कि वो आपको भी ना पहचाने। नहीं नहीं बाबा, मुझे तो सैकड़ों में पहचान लेती है, फटका जो मारना होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, उसको गुस्सा मत दिलाना वरना उसको दौरा भी पड़ सकता है। मैं तुम लोगों की ईदी और इनाम लेके निकल रहा हूँ बस। जानू अंकल आ रहे हैं अपनी बीवी को लेने, इनाम की रकम भी ला रहे हैं साथ ही। कब आएगा ये अंकल? अरे भाई अगर आप लोगों ने जाना है तो जाएं शाहिदा बाजी की तरफ, वो इंतजार कर रही होंगी। हाँ ताकि इनाम की सारी रकम तुम लोग कल्ले कल्ले हड़प जाओ। नहीं जी, हम तो अपनी इनाम की रकम लेके ही जाएंगे, अपना हिस्सा। भाई 100% दुरुस्त कह रही है जोजी बेगम, भाई का शादा बाजी के घर जाना है, किसी वक्त भी चले जाएंगे शाम को। आपने मुझे वापसी में छल्ली भी खिलानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो क्यों खिलाएगा छल्ली, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें छलियाँ खिलाऊंगा जितनी चाहोगी। आप लोग फिर शुरू हो गए हैं, जाके प्यारी फुप्पो को तो देख लें, पता नहीं क्या सोचे बैठी होंगी। अरे वो क्या? ये जो आपने पैक पुक किया हुआ है। अरे मेरे खुदाया, ये मेरा सामान है। आपका सामान ना, तो तू कितने मार गई सा है? तेनु चंगा पला पता था ना कि आज मैंने जाना है, आके सामान समून मेरा पैक करवाना था तूने। किधर जाना है आपने? ओ मेरे खुदाया, लंदन जाना है मेरे, कोई कसूर नहीं जाना, मेरी रात की फ्लाइट है। चल छेती करके मेरा सामान पैक कर आके। नहीं आप नहीं जा सकती, जब तक इनाम नहीं आ जाता कहीं नहीं जाएंगी आप। इनाम? इनाम कौन है? अच्छा ड्राइवर का नाम ले रही है, उसका नाम अनाम नहीं है, उसका नाम अलियास है। मैं कदों से फोन कर रही हूँ, हाले तक आया नहीं, अब उसकी जगह ना अलियास आ रहा है। तो फिर हम लोगों का क्या होगा? क्या क्या होगा? क्या होगा कि क्या मत बनुआ भाई, उठे रहना, मुझे नौकरों का कमरा होता है, 7 क्वार्टर है, वरा फिर मान से पखा चला के सोना। मैंने नहीं जाने देना आपको। अब पागल तो नहीं हो गई तू? नहीं मैंने नहीं जाने देना आपको, बस प्लीज प्लीज। बस कर दे प्लीज प्लूत ना, मुझे कहने की कोई लोड़ नहीं है। बंदे दी पुत्र मान सोटियां मार मार के ना तेरे नीलो नील कर देना। चल चुक मेरा बैग लेके चल, बा आ रही हूं मैं। अरे क्या वो लगा रखी है मोमो, ऐसा क्या देख लिया तुमने कमरे में? मैं गुस्सा में तस तबाह गया है, अपनी तस्वीर वहाँ से हटाएं बड़ी वाली। यार आपकी तस्वीर देख के मेरी माँ के त्राण निकल गए। नहीं नहीं मैं मसूद की तस्वीर देख के नहीं डरी। तो फिर अंदर तो फुफो थी ना, वो ठीक है? ओए वो बुड्ढी मार मरा गई ना, तो इनाम चनाम की रकम किसी को नहीं मिलनी, ऊपर से ईद वखरी हमारी खराब होनी है। मुमताज जी आप ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी ये तो प्यारी फुफो का है, वो जा रही है। प्यारी पुप्पो कहाँ जा रही है? और वही तो मुझे याद नहीं आ रहा। जमील नबील माँ जी नबील। लो भाई मेरे वफादार नौकरो, मेरी एक गल कान खोल के सुन लो, अब ना तुम लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर में सोना है। अरे लेकिन पुप्पो इस घर में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर है ही नहीं। ना तो लॉन इतना बड़ा है, वहाँ पे तो मुर्गा के सो जाना। मैं तो अपने कार को लॉक लगा कर जाऊंगी। पर अब जा कर रही है? ओहो लंदन जा रही हूँ ना, अपने हस्बैंड के पास, वहाँ जाके रहूंगी, ईद वहीं पे मनाऊंगी। नहीं नहीं प्यारी पुप्पो आप कहीं नहीं जा सकती। और तू मुझे धमकी दे रहा है ड्राइवरा? अरे धमकी नहीं दे रहे, ऑर्डर दे रहे हैं, आप जाएं अपने कमरे में। चुकर हम मान लीजिए पुत्रा, नौकर हो के मालिक से जबान चलाता है। चलो है तो मेरा राम ऐसे, मेरा जहाज उड़ जाएगा। और अगर ए बाजी कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, कमरे में लेके जाओ, कमरे में लेके जाओ इनको, कमरे में, कमरे में, कमरे में, कमरे में, कमरे में, कमरे में। शाबाश अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे कहां लाके इन लोगों ने बंद कर दिया, इनको खुदा ही पूछे। हाय हरे कितने दिन मुझे इस कमरे में बंद रखेंगे।
या अल्लाह मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कहीं मेरा तवान लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हाय हाय मेरा दिल का उमू कर रहा है, कहीं मुझे जान से ना मार दे। दस नहीं है इन्हों मजा उन्हें दस नहीं यार लंबर। हेलो हेलो तुसी 18 तो तुसी 15 से बोल रहे हैं? बात सुने, मैं बड़ी मजबूर लड़की हूँ, आप जल्दी से आ जाए। मुझे कुछ लोगों ने ना कैटनैप कर लिया है, उन लोगों ने ना मुझे बंद कर दिया कमरे में, मुझे अगवा कर लिया। ये है उनकी साजिश है, मुझे जान से मार देंगे। मैं मर जाऊंगी फिर मैं कहाँ फोन करती फिरूंगी। जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और मुझे तो कुछ तसल्ली देना। हेलो हेलो पायसन मेरी गल सुन रहे हैं आप कि नहीं सुन रहे? अल्लाह जी अभी टेलीफोन बंद कर गए ने, इन्हों खुदा पूछे इन्हों बिल्ली पवे, मैं क्या करूं। भट साहब आप ईद वाले दिन कैसे? भाई तुम लोग तो छुपाना चाह रहे थे लेकिन मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि अंदर एक औरत है। अंदर एक नहीं भट साहब, तीन तीन औरतें हैं। अच्छा तो तीन तीन औरतों को अगवा किया तुम लोगों ने? हमने किसी को अगवा नहीं किया भट साहब, वो आंटी खुद आई है। अच्छा तो खरबूजे को देख के खरबूजा ने रंग पकड़ ही लिया। कौन खरबूजा? तुम खरबूजा बल्कि खरबूजी, और तुमने भी नबील और महमूद के गलत कामों में साथ देना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया भट साहब। और ये सब बातें अब तुम लोग अदालत में चल के बताना। हा? चलो अंदर अंदर आओ। अच्छा आप मेरा ख्याल है छोटे भाई को ईदी देने आए? देने नहीं लेने आया हूँ। क्या ईदी? नहीं मुजरिम। अरे भट साहब आप मुजरिम लेने यहाँ क्यों आ गए? ये तो अच्छे खासे शरीफ लोगों का घर है। अब मुझे पता है तुम्हारी शराफत का। इस घर से एक औरत ने कंप्लेंट की है कि तुम लोगों ने उसे अगवा करके रखा हुआ है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इन लोगों ने किया है। और किसी ने भी कुछ नहीं किया जी, हम तो उस औरत की हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। अरे हाँ भाई वो तो बीमार औरत है, घर का रास्ता भूल गई थी, भटक के यहाँ आ गई है, हमने उसके खामत से बात कर ली है। हाँ। वो आता ही होगा अभी हमारा इनाम लेकर, और उसने अपनी बीवी साथ ले जानी है। हाँ, और वो हमें ईदी भी देगा, क्यों पुत्र कफील? अच्छा तो चले मैं भी थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, ईद वाले दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, आखिर ईदी पर मेरा भी तो हक बनता है। चलो अरे बाबा ये हमारे हमारा बीवी लेके आओ, मैं तुम लोगों का इनाम लेके आया हूँ, ये इनाम और मैं तुमको ईदी भी देता हूँ बाबा, ये लो। अरे 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 बहुत शुक्रिया जानू, जाओ प्यारी पप्पो को लेके आओ कमरे से, जाओ 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 जाओ। अरे बाबा बहुत शुक्रिया आपका। बाबा शुक्रिया। माँ जी नबील देखो अभी इस लफाफे की रकम जो है ना वो सब में तकसीम होनी चाहिए। ओए ओए इसे मैं खोलूंगी, हट जाओ हट जाओ। ओहो ये तो वाटर कूलर है। गर्मी है ना बाबा, पानी ठंडा रहेगा। सिर्फ 500 रुपया? अजय तो होगी मेरी थी। नबील नबील प्यारी पप्पो कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कि वो भाग गई है। क्या मेरी बीवी को तुम लोगों ने भगा दिया है, मेरा इनाम वापस करो। वापस कर पुत्र इनका सड़ा हुआ कूलर। अच्छा वो इसकी बीवी को मैंने भगा दिया। क्या माँ जी आपने प्यारी पप्पो को भगा दिया? हाँ पुत्र बड़ा रो रही थी, बड़ा तरस आया मुझे, तो मैंने ना पीछे वाले रास्ते से उसको भगा दिया। इंस्पेक्टर साहब ये 500 रुपए और रखे, इन्होंने मेरी बीवी को गायब कर दिया है, मेरी कंप्लेंट पे इन सबको अंदर कर दे। चलो थाने थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते